नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा फुल बॉडी फेयरनेस टिप्स के बारे में। दोस्तों गर्मियों के मौसम में अक्सर अधिकांश लोगों की त्वचा का रंग काला पड़ जाता है, जो देखने में बहुत ही बेकार लगता है। पूरे शरीर को गोरा करने के लिए आज हम आपको बताएंगे बॉडी फेयरनेस टिप्स के बारे में। सुंदर देखने के लिए केवल चेहरा ही गोरा होना जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ शरीर को सुंदर लगना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहता है। गर्मियों में लोग छोटे और हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जिसमें कि आपको गर्मी कम लगे, साथ ही साथ आप आरामदायक महसूस करें। लेकिन इसी वजह से आपके हाथ पैर काले पड़ जाते हैं। जो लोग गोवा आदि बीच पर घूमने जाते हैं, ऐसी जगह पर धूप आदि से स्किन अधिक काली पड़ जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में जानते हैं गोरे होने के लिए आपको किस तरह से टिप्सों को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बॉडी फेयरनेस टिप्स के बारे में। आपको अपने पूरे शरीर को गोरा करने के लिए कुछ टिप्स को फॉलो करना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी। इसमें दोस्तों आप लोशन को इस्तेमाल करें, स्किन फेयर का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लोइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ घरेलू उपायों के अनुसार अपनी जो स्किन को मजबूत करने के लिए किसी प्रकार के घरेलू उपायों का इस्तेमाल करना जरूरी रहता है। इसमें दोस्तों आप किसी भी प्रकार से जो कि कॉफ़ी बॉडी स्क्रब करवाना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। कॉफ़ी से बना बॉडी स्क्रब सबसे अच्छा घरेलू उपाय होता है। इसका उपाय आप अपने पूरे शरीर को गोरा करने के लिए कर सकते हैं। कॉफ़ी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि सेलुलाइट से लड़ने में मदद करती है। इसमें चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। मृत त्वचा को बाहर निकालने के लिए आपकी मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों आप जैतून का तेल आपकी त्वचा की गहराई में प्रवेश करके हाइड्रेट्स को स्वस्थ रख सकता है। इसको बनाने के लिए आपको 1/4 कप कॉफी का पाउडर लेना है, साथ ही साथ 1/4 कप आपको चीनी और 2 चम्मच आपको जैतून का तेल लेना है। एक कटोरी में अच्छे प्रकार से मिला लें। इसे आपको अपने शरीर को पूरी तरह से कम 2 मिनट तक मसाज करना है। अब गुनगुने पानी का उपयोग करके आप अपनी बॉडी को स्क्रब करके धो लें। आपकी बॉडी का जो कलर होगा वो काफ़ी फायदेमंद रहेगा, गोरा हो जाएगा। दोस्तों इसका दूसरा फायदा होता है, वो होता है दही को लगाकर। बॉडी फेयरनेस टिप्स में दही का इस्तेमाल करना चाहिए। दही से बने हुए घरेलू बॉडी लेशन का इस्तेमाल आप आसानी से अपने पूरे शरीर को गोरा करने में कर सकते हैं। दही त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, साथ ही साथ त्वचा को यूवी रेज से बचाने में मदद करता है। दही के अंदर सभी प्रकार के स्किन प्रॉब्लम को दूर करने की कैपेसिटी होती है और आपकी बॉडी को चमकदार बनाता है। पूरे शरीर को गोरा करने के लिए आपको 1/4 कप दही को लेकर 3 चम्मच आपको ऑलिव ऑयल की डालनी है और 1 चम्मच शहद डालना है। इस पेस्ट को अपने हाथ पैरों पर लगाएं। 30 मिनट के बाद आपको दोस्तों ठंडे पानी से इसे धो लेना है। इससे दोस्तों आपकी बॉडी का निखार भी काफ़ी हद तक फायदेमंद रहेगा आपके लिए। दोस्तों इसके अलावा आप चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। त्वचा को प्राकृतिक रूप से गोरा प्रदान करने के लिए चंदन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। फुल बॉडी को गोरा करने के लिए चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। चंदन पाउडर के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जो कि आपके शरीर को गोरा करने में मदद करते हैं। दोस्तों बॉडी वाइटनिंग के लिए आपको 1/2 चम्मच चंदन का पाउडर लेना है। इसमें आप 4 चम्मच बादाम के गर्म तेल को मिला लें, साथ ही साथ 1 चुटकी हल्दी को मिला लें। ठंडा होने के बाद आपको पूरे शरीर पर अच्छी प्रकार से लगाना है। 20 मिनट के बाद आप ठंडे पानी से इसे धो सकते हैं। आपकी बॉडी में काफ़ी रंगत आएगी। दोस्तों संतरे का इस्तेमाल किया जाता है शरीर को गोरा करने के लिए। घरेलू बॉडी फेयरनेस टिप्स के अंदर संतरे के छिलके से बना पाउडर आपको इस्तेमाल करना है। यह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के हानिकारक प्रभाव से बचाता है। दोस्तों फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए आप 3 चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर लेकर 1/4 कप ब्राउन शुगर और थोड़ा सा गुलाब जल को मिलाकर अच्छी प्रकार से मिलाएं। अब ये आपके पूरे शरीर पर लगाना है, हल्के हाथों से मसाज करना है। थोड़ी देर के बाद आपको ठंडे पानी से धो लेना है। ऐसे डेड स्किन हट जाती है, साथ ही साथ आपका शरीर भी गोरा हो जाता है। हाथ पैर को गोरा करने के लिए आपको मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। मुल्तानी मिट्टी के अंदर दोस्तों लाइम, एलुमिया, साथ ही साथ इसके अंदर आयरन जैसे ऑक्साइड पाए जाते हैं, जो कि आपके हाथ पैर में निखार लाने में काफ़ी मदद करते हैं। ऑयली स्किन पर धूल मिट्टी जम जाती है, जिसकी वजह से स्किन काली दिखाई देने लगती है। कुछ दिन के बाद मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करने से त्वचा की जो परत की अतिरिक्त ऑयल होती है उसे सूख लेती है और अशुद्धि को दूर करने के लिए मदद करती है। हाथ पैर को गोरा करने के लिए आपको 4 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 2 चम्मच बादाम का तेल, थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर पेस्ट करके लगाना है। इस मिश्रण को आप अपनी बॉडी पर लगाएं, 15 मिनट बाद नहा लें। हफ्ते में 3 से 4 बार इस नुस्खे को अपनाएं। आपका हाथ पैरों की जो रंग रहेगा काफ़ी साफ हो जाएगा।
दोस्तों एलोवेरा का नाम तो सुना ही होगा आपने। एलोवेरा से आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग कर सकते हैं। बॉडी फेयरनेस टिप्स में एलोवेरा का इस्तेमाल करने के लिए आप आधा कप एलोवेरा जेल लेकर इसके अंदर विटामिन ई का तेल मिलाएं, साथ ही साथ कोई भी शावर जेल मिला सकते हैं। इस मिश्रण को तैयार करने के बाद शरीर पर नहाने से पहले लगाएं, कुछ देर बाद नहा सकते हैं आप। कुछ दिनों के बाद दोस्तों आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा गोरी हो जाएगी। दोस्तों बेसन और टमाटर पूरे शरीर को गोरापन प्रदान करता है। शरीर के सभी अंगों को गोरा करने के लिए, सनसैन को हटाने के लिए, साथ ही साथ इस पैक का उपयोग कर सकते हैं। टमाटर यूवी रेज के दुष्प्रभाव से बचाती है, साथ ही साथ त्वचा के कालेपन को दूर करती है। आपको क्या करना है, आपको एक पके हुए टमाटर के जूस के अंदर 2 चम्मच बेसन को अच्छी प्रकार से मिलाना है। इस बॉडी पैक को अपने पूरे चेहरे पर लगा सकते हैं, शरीर पर लगाएं। 10-15 मिनट तक सूखने के बाद आपको ठंडे पानी से नहा लेना है। यह आपकी बॉडी के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आप नींबू का रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू का रस आपकी बॉडी के लिए काफ़ी बेहतरीन क्लीनर होता है। नींबू के रस को बेकिंग सोडा की मदद के साथ त्वचा पर पड़ने वाले काले निशानों को दूर करने के लिए किया जाता है। आपको 1 कप बेकिंग सोडा में 2 चम्मच नारियल का तेल, 1/2 कप नींबू का रस मिलाना है। इस पेस्ट को अपनी बॉडी पर लगाकर 10 मिनट तक मसाज करना है। इसके बाद इसे ठंडे पानी से साफ करके आपको नहा लेना है। इसके बाद दोस्तों आपकी बॉडी साफ हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा बॉडी फेयरनेस टिप्स में आपको अधिक से अधिक पानी पीना है। अधिक से अधिक पानी पीने के साथ साथ दोस्तों आपके शरीर के अंदर तापमान नियंत्रित रहता है, आपकी बॉडी भी काफ़ी मजबूत बनी रहती है और शरीर में सभी प्रकार की पाचन क्रियाएं भी संपूर्ण रूप से बनी रहती हैं। फुल बॉडी वाइटनिंग टिप्स के अंदर दोस्तों धूप में जाने से पहले आपको पूरे कपड़े पहनना है। अपने शरीर को धूप से बचाने के लिए, कालेपन से बचाने के लिए आपको घर से बाहर निकलते समय हाथ पैरों और चेहरों पर पूरे कपड़े से ढक लेना है। इसके अलावा दोस्तों सुंदर बनने के लिए आपको लोशन और सनशाइन क्रीम का इस्तेमाल करना है। पूरे शरीर को पूरा करने के लिए आप स्किन पर बॉडी लोशन सनस्क्रीन लगानी है, साथ ही साथ फुल बॉडी व्हाइटनिंग का सबसे अच्छा घरेलू उपाय भी माना जाता है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम लिंक मिलेगी, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो करें और आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो, उसका जवाब हम देने का बहुत ही जल्दी प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार।